जम्मू में अब सीटी स्कैन 1500 रुपये व एचआरसीटी स्कैन 3000 में होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सचिन नेटवर्क में आज के चर्चित विषय के साथ। लोगों से निजी संस्थानों के सीटी स्कैन के मनमाने दाम वसूलने का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त अंशुल गर्ग ने रेट निर्धारित कर दिए हैं। अब सीटी स्कैन का 1500, 16 स्लाइसेस से कम वाले एचआरसीटी स्कैन का रेट 2500 व 16 स्कैन से ज़्यादा एचआरसीटी स्कैन का रेट 3000 रुपये लिया जा सकेगा। इस रेट से ज़्यादा ज़िले में अगर कोई निजी संस्थान या लैब वाला वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब कोई निजी संस्थान निर्धारित रेट से ज़्यादा दाम किसी से लेता है तो उपायुक्त के मोबाइल नंबर 9419194234 के अलावा जिला कंट्रोल रूम के नंबरों 0191257 1616, 0191257 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9622011623 पर संदेश भेजकर भी शिकायत की जा सकती है। गांव में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश। जिला उपायुक्त अंशुल गर्ग ने कोविड संक्रमण से ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। गर्ग ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के दिशा निर्देश तय प्रोटोकॉल के तहत जारी किए जा चुके हैं। गांव में उप जिला अस्पतालों को कोविड मरीजों के उपचार के लिए तैयार किया जा रहा है। SDH कोट भलवाल गंग्याल स्थित राजीव गांधी अस्पताल में इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। क्या है आपकी राय बताएं हमें। तब तक मैं कोमल प्रभाकर लेती हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद।